एमपॉक्स वायरस पहली बार अफ्रीका महाद्वीप के बाहरी स्वीडन में पाया गया है। इसे लेकर WHO ने भी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। एमपॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इस बारे में जानेंगे। दुनिया कुछ समय पहले COVID-19 के वायरस के खतरे से बाहर निकली ही थी कि एक और वायरस ने चिंता बढ़ा दी। इस वायरस का नाम है एमपॉक्स, जिसे लेकर WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि इसका तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी 2023 से अब तक 27,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 1,100 मौतें दर्ज की गई है। यह वायरस फैल रहा है। एमपॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही थे, लेकिन अब यह मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया। पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एमपॉक्स मामले की पुष्टि की है। एमपॉक्स के लक्षण 34 साल के पुरुष में पाया गया है और इसकी पुष्टि पेशावर स्थित खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुँचने के कुछ समय बाद ही उसके लक्षण विकसित हो गए। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि यह वायरस का वही स्ट्रेन है जो सितंबर 2023 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बढ़ रहा था, जिसे क्लेड बी सब क्लेड के रूप में जाना जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी देश है। पहली बार सितंबर 2023 में सामने आया नया वायरल स्ट्रेन DRC के बाहर पाया गया है। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा, मुंह या जननांगों जैसे अन्य घावों सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों के देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते थे। एमपॉक्स के लक्षण क्या है? लोगों को अक्सर शरीर पर दाने हो जाते हैं जो हाथ, पैर, छाती, चेहरे या मुंह या जननांगों के आसपास हो सकते हैं। ये दाने अंततः फुंसी और ठीक होने से पहले पपड़ी बनाते हैं। इसके अन्य लक्षण में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। लक्षण कितने दिन तक रहते हैं? एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसके लक्षण दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह देता है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वह बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है। बस इसमें देखभाल की जरूरत है।